नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मैं आया हुआ था मुक्सर मेले में, और मुक्सर मेले में आपको पता है कि आजकल जितने घोड़े और लोग घोड़ी लेके आते हैं, उतने ही लोग कबूतर वगैरह, तोते वगैरह, मुर्गे वगैरह, डॉग वगैरह लेके आते हैं। तो भाई कैसे हो, सबसे पहले अपने हालचाल बताओ। मेरे को लगता है कि 7-8 महीने बाद तो मिले हैं। हाँ भैया, मिल जाना था जिग रहा हूँ अगर मंडी कैंसिल ना होती तो। सबसे पहले एक बार अपना नाम बताओ। नाम जसमिंदर सिंह प्रदीप भाई। और अपना जो ये बिजनेस चलता है उसका शॉप का क्या नाम रखा है? ब्राड फार्म श्री मुक्सर साहब के नाम के ऊपर अपना। और मुक्सर से ही हो आप? जी, गाँव है मेरा वाड़ा किशनपुरा, वाड़ा डिस्ट्रिक्ट मुक्सर है। मुक्सर से 20-25 किलोमीटर दूर है। तो तोते कबूतर का बिजनेस कैसा चल रहा है भी? बहुत बढ़िया भाई, अपना तो घर में भी अच्छा चलता है और यहाँ भी चलता है अच्छा। तो जागराव मंडी के लिए तैयारी कर रखी थी क्या? बहुत बढ़िया तैयारी करी थी भाई। लेकिन कितने का माल खरीद लिया था? माल मैंने खरीदा था प्रदीप भाई कम से कम 3 लाख के करीब। 3 लाख रुपए? जी भैया। पर मंडी कैंसिल हो गई। मंडी कैंसिल हो गई। फिर वो माल क्या करा? माल बस 1-1.5 लाख का तो घर में सेल हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गए तो। लेकिन उतना मजा नहीं आया जितना जो आना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जेब थोड़ी भरी पर हल्की खाली रहेगी। नहीं, जेब का कोई मसला नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर उतर के आना, नए लोगों से मिलना थोड़ा अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता तो है। अब इस मंडी भी टाइम पे पता चला है। अभी इस मंडी के लिए थोड़ा डर रहे थे कि यार अगर ये भी कैंसिल होगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अचानक ही पता लगा होगा? हाँ, बस 4 को फाइनल हुआ और 5 को मंडी स्टार्ट हुआ। और आप कब आ गए थे? मैं भैया 6 को आया था। 6 को आ गए जी भैया। तो इस बार लोगों के लिए क्या क्या लेके आए हो मंडी? काफी वैरायटी लेके आए हैं अपने हिसाब से, तो भैया दिखा देता हूँ। तो बात करें इधर से, ये क्या चीज है? ये भैया टर्की है। टर्की ऑस्ट्रेलिया का जो मुर्गा है। ये अभी सेमी एडल्ट है, ये 5 मंथ के हैं। सब मेल है कि फीमेल? नहीं, पेयर पेयर ही है, मेल और फीमेल है जी भैया। तो क्या है पेयर का प्राइस इसका? भैया 4500 रुपए है 45 पेयर का। अगर ज्यादा क्वांटिटी कोई उठाएगा तो 4000 जी भैया। और ये क्या है? ये सील पट्टे है भाई। ये क्या जोड़े से है कि सिंगल? जोड़ा भी मिल जाता है, सिंगल भी मिल जाता है। ये भी 2500 का पेयर है। 2500 का जी भैया। और ये क्या है? ये भैया गिन्नी फौड़ा चकोर बोल देते हैं इसे, चकोर। हाँ जी, ये ब्रीडिंग पेयर है। ओके। ब्लैक कलर का जो जोड़ा है वो 2000 का है, और ये व्हाइट कलर का है वो अपना 3000 का जोड़ा। 3000 रुपए जी भैया। ये राजहंस है। कौन से? ये वाले अच्छा, ये लोग फार्मों पे जैसे पानी वानी में रह ले। हाँ, पार्किंग के लिए, गार्डिंग के लिए रखवाली भी अच्छी करते हैं प्रदीप भाई। अच्छा। हाँ जी, रखवाली कैसे करते हैं? जैसे कोई बाहर का बंदा या डॉग या कोई बर्ड वगैरह आ जाता है ना, तो ये रौला पा देते हैं, चोंच मारते हैं। चोंच तब मारते हैं जब खाली सिंगल मेल हो या बच्चे निकाले, तब मारते हैं, अदरवाइज मारते नहीं। यानी कि साइलेंट रोड़ा पा देते हैं। हाँ, पा देते हैं कि अलर्ट कर देते हैं, यानी मालिक को जगा देते हैं। जी 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 भैया। तो ये क्या पेयर बता रहे हो आप? ये 3000 का पेयर सेल कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से रेट इसका अप डाउन होता रहता है। अप डाउन होता जी भैया। ये खाकी कैंबल है। खाकी क्या है? हाँ, खाकी कैंबल इसका नाम है। ओके। इते भी बोल देते हैं। ये भी डक है, ये भी बतक है। ये क्या जोड़ा बेच रहे हो? ये 2000 से 3000 का पेयर सेल होता है, कलर के और एज के हिसाब से। ओके जी भैया। और ये क्या है? ये इसके बच्चे हैं खाकी कैंबल के। अच्छा, ये वाले? हाँ, ये 700 रुपए का पेयर है बच्चों का। जी भैया। ओके। और ये मस्कॉबी है, मसीकन डक बोलते हैं इसे। हाँ, और ये इनके बच्चे हैं, ये भी 4। ये इनके बच्चे हैं सब? हाँ, ये बच्चे हैं, ये अडल्ट है। ओके। इसके अंदर कुछ सेमी अडल्ट का क्या रेट है? ये सेल होता रहता है प्रदीप भाई 4000, 5000, 6000, 3000 से स्टार्ट, जोड़ा 6000 तक जोड़ा जी। ओके। और बच्चों का? बच्चों का 3000 के आसपास, लगभग 3000 के आसपास। ये रैबिट है देसी खरगोश, ये 500 का पेयर भी है, 1000 रुपए का पेयर भी। एक कलर का जो पेयर है वो 1000 का है, कलरफुल है जो मिक्स कलर है, ये 500 का। 500 का जी। अपने घोड़े वाले में बोलते तो अबलग जो है, अबलग बोल सकते हैं, सफेद नुकरा बोल सकते हैं ना। ये गिनी पिग है भैया, गिनी पिग है। हाँ। ये कितने? ये 1500 का कलरफुल जोड़ा है, जो फुल व्हाइट कलर में रेड आई है। हाँ। ये 2000 का जोड़ा है। और ये जो काला वाला है, ये भी ये कलरफुल ही आ गया, ये 1500 का जोड़ा है जी भैया। और ये बजरी है। हाँ। ये ब्रीडिंग पेयर है। हाँ। 500 रुपए का। ये वाले अपने जेब्रा फिंच है। हाँ। ये भी 500 रुपए का पेयर। और ये भी 500 रुपए पेयर जी भैया, 500 रुपए का पेयर अडल्ट। और ये मुर्गे, ये जो वो मेल है, ये फीनिक्स है। हाँ। ये लॉन्ग टेल है। हाँ। ये वाले कोचीन बेंटम है। ये 4500 का पेयर है, वो वाला 6500 रुपए का, 6500 रुपए जी भैया। और ये, ये स्प्राइड है, ब्रीडिंग पेयर, ये 4500 का है। ये वाले फ्रेल बैक है, ये 3500 का पेयर है। वो कौन सा? ये वाला फ्रेल बैक है, 3500 का। वो फीमेल है, ये मेल है। ओके। और ये कैप वाले पॉलिश कैप है, ये भी 3500 का। तो जैसे मान के चलो कोई मेल ले जाए, तो फिर फीमेल को कैसे बेचते हो?
हमें तो रिक्वायरमेंट आती रहती है, किसी को सिंगल मेल चाहिए, किसी को सिंगल फीमेल चाहिए, क्या नहीं तो उनके पास जिसके पास फीमेल होती होगी वो मेल ले जाता होगा। हाँ, अगर सामने वाले के पास दोनों मेल दोनों फीमेल है उसके किसी का काम के नहीं है, हमारे पास तो सेल पर यही होते रहते। तो आपको कभी कभार लोग दे भी जाते हैं क्या और मेल ले जाते? कल की बात है, कल किसी को लास्ट मंडी में किसी ने खाकी कैंबल के दो मेल दे दिए मेल फीमेल बोल के। अच्छा, अब वो काफी एज का पर्सन था, इंसान था, वो बोला कि हमें मेल दे के फीमेल चाहिए। मेरे पास खाली पेर ही थे, पूरे उतने मेल उतनी फीमेल। मैंने सोचा यार अगर मैंने मना किया तो उसका शौक खत्म हो जाएगा कि यार दोनों मेल ही है एक साल से, है ना। बिल्कुल। तो मैंने उसे मेल ले लिया और फीमेल दे दी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया। अब मेरे पास एक मेल एक्स्ट्रा है क्योंकि आपके पास में सेल हो जाएगा, चलता रहेगा भैया, उसका मसला सॉल्व पूरा हो जी भैया। और ये असील है भैया। हाँ, ये 2500 का पेयर है, इनके अंदर कोई भी उठाऊ 2500 जी भैया। बिल्कुल, ये सेलम है, इसकी चून छोटी होती है, ये शो क्वालिटी होते हैं। ये ब्रीडिंग पेयर भैया 10,000 का है। 10,000 का जी भैया, मेल और फीमेल जी भैया, वो वाले तरकी हैं जो उधर घूम रहे हैं जिनके सबसे पहले बच्चे दिखाए थे हमने। ओके। हाँ, ये कितने रुपए का जोड़ा है ये भैया? 8,500 का ब्लैक, 8,500 व्हाइट वाला 7,500। ये थोड़ा खुल जाता है तो बहुत अजीब सा लगता है। ये इधर खुल रहा है, ये अभी सेमी एडल्ट है, ये वाला बड़ा है। ये मेल फीमेल है कि दोनों? ये दोनों मेल है, फीमेल उधर घूम रही है वो सामने। ओके जी। और ये? ये भैया कबूतर है, चिल्ले सराजे उड़ने वाले, ठीक है, ये देसी है, सिंपल लट्ठे आ जाते हैं। इनका क्या रेट है? ये 500 का पेयर है, कोई भी उठाओ। और ये वाले? ये नकापोश है, सैंडी नेट है, मुखी है, ये 1500-2000 का पेयर है। ओके। और ये इंडियन लक्के हैं भाई। हाँ, इसे ये भी 1500-2000 का पेयर है। हाँ, ये वाला इनक्यूबेटर है। अच्छा, बच्चे निकालते हैं जिनके इसमें? हाँ जी हाँ जी, पूरा सेट मशीन लगा के सेट कर रखा है। हाँ हाँ पूरा भैया। ये किस लिए दे रखा है? ये देखने के लिए। अच्छा, अगर ओपन नहीं करना। ओके। हाँ, ये 100 अंडे तो जैसे आप भारत बेचते होंगे तो इसी में पैक करके बेचते हो या क्या? जैसे कोई मशीन लेना चाहता है तो फिर बाहर भेज देते हैं? हाँ भेज देते हैं, कहीं भी ऑनलाइन डिलीवर हो जाता है। बाकी तोते कबूतर मुर्गे जो भी आप लेना चाहे वो भी भेज देते हैं। कुछ डॉग भी लेके आए? जी भैया। कितने डॉग लेके आए हो? कम से कम होंगे 20-25 के। आप हमको जो बड़े बड़े डॉग है वो दिखाओ। जी भैया जी भैया, ये लेबरे बच्चा है भैया 3 मंथ का। हाँ जी, ब्लैक कलर में। क्या है इसका रेट? इसका 8,500। 8,000 लेबरा। ये फीमेल है, ये फीमेल 9 मंथ की है भैया। हाँ, इसका रेट 10,000 रुपया है। 10,000 जी भैया। ये भी लेबरा में? हाँ जी लेबरा, लेबरा में। ये पिटबुल है भैया, पिटबुल अमेरिकन पिटबुल। हाँ, इसका रेट 8,000 रुपया है। 8,000 जी भैया। जब से वो पिटबुल वाला एक केस हुआ, लोग पिटबुल के उसमें थोड़ी सी देखो, मैंने ये अडल्ट ली हुई है। अच्छा, ये नहीं, जब से वो पिटबुल वाला केस हुआ है तब से पिटबुल के बिकने में थोड़ा सा कम पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है, मार्केट पे असर पड़ता है इन चीजों का। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से खुद नहीं रख सकते, लेकिन ये कसूर है वो बर्ड का निकालते हैं, एनिमल का निकालते हैं। मैंने अडल्ट ली हुई है, आपके सामने मैंने हाथ डाला है इसके, तो कोई दिक्कत नहीं आपके सामने, यानी पालने का फर्क है। टाइम देना पड़ता है इनको जो लोग देते नहीं है। और ये कौन सा है? फीमेल है सर, लेबरे। लेबरा। हाँ जी भैया। ये कितने का है? ये 3 बार बच्चे दिए हुए हैं भैया, 3 बार। हाँ, इसका रेट 10,000 रुपये। 10,000 जी भैया। और ये? ये फीमेल है भैया, 3 मंथ की जर्मन शेपर्ड, इसका भी 10,000 है। 10,000। और ये लॉन्ग कोट फीमेल है भैया, इसका रेट 15,000 है, ये भी 3 मंथ की है। 15,000 जी भैया। और ये 6 मंथ की है, इसका प्राइस भी 10,000 है। 10,000 जी भैया। ये हस्की है, ये लोमड़ी जैसे लगते हैं। हाँ, वही है, वही है। हाँ जी, हाँ जी भैया। अगर इसको मान के चलो कोई आदमी जानता नहीं हो कुत्ते के बारे में, छोड़ देवे तो बहुत डर जावे। बहुत बंदे बोलते हैं जिनको नहीं पता था कि ये क्या है। जी भैया। तो ऐसे डॉगों की रिक्वायरमेंट रहती है? हाँ जी, हाँ जी भैया, रहती है, बिल्कुल रहती है। क्या नाम है इनका? इनका नाम हस्की है सर। हस्की। हाँ जी। तो ये मेल है कि फीमेल है? ये दोनों मेल है सर। मेल है। हाँ, दोनों मेल है। ये अभी 6-6 मंथ के हैं। 6-6 मंथ जी भैया। क्या रेट ऑफर कर रहे हो इनका? इनका सिंगल का 30,000, अगर दोनों लेना चाहेगा तो दोनों 50,000 के। दोनों 50,000 जी भैया। तो सबसे महंगी ब्रीड है क्या? नहीं, महंगी तो कोई नहीं, ये आपके पास में अभी जो देख के आए हो फिलहाल यही है। बाकी 25 डॉग और तोता, चिड़िया, मुर्गे, कुछ ये फीमेल, टर्की वगैरह, जो भी बंदा लेना चाहे वो ले सकता है। जो भी, अगर जो वीडियो में नहीं है, कोई अदर डिमांड है किसी इंसान की, वो भी आपको अरेंज करवा के देंगे देंगे जी। तो अभी जैसे कि ऑनलाइन डिलीवरी का मामला कैसा चल रहा है?
बढ़िया चल रहा है भैया, लेकिन कुछ जो लोगों से पैसा डलवा के ठगी मार लेते हैं उन लोगों की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर असर पड़ता है। आपके इसमें तोता मैना वाले में भी होता है कि पैसा डलवा लिया और माल ही नहीं भेजा? डालते हैं भाई, मेरे खुद के साथ हो जाता है, पैसा डाल देते हैं, उन्हीं के पास बर्ड मर जाते हैं लेकिन वो पैसा रिटर्न नहीं करते। अच्छा। लेकिन मैं किसी को बर्ड देता हूँ, अगर रस्ते में भी मर जाते हैं मैं पैसा भी रिटर्न करता हूँ, अगर नहीं रिटर्न लेना चाहता बर्ड ही लेना चढ़ता है तो उसी पेमेंट में भैया मैं अपना उनको बर्ड बेचता हूँ। तो आप महीने में जैसे इतना माल बेचते हो तो कभी कितने केसों में हो जाता है कि वो पक्षी जाते हुए उसकी डेथ हो जाती है? अभी जब आप वीडियो करके गए थे यहाँ से, वहाँ से एक कॉन्टेक्ट मिला था, उन्होंने यहाँ से भी वैसे परचेज किया, उसने मेरे से बकरे मंगवाए थे दिल्ली के अंदर 60,000 के, उसके अंदर भैया एक बकरा एक्सपायर हुआ है 25,000 का। अब कसूर मेरा भी कोई नहीं, मैंने जिंदा भेजा है, लेकिन कसूर उसका भी कोई नहीं, लेकिन उसने जिंदा के पैसे दिए, वही रिपीट बात आ गई। रस्ते में क्या हुआ है? रस्ते में कुछ भी हो सकता है, हमारा भी नहीं पता, लेकिन रस्ते में वो डेड हो गया। अब जो लेके गया है उसने 2,000 डिलीवरी चार्ज लेना है, गलती उसकी भी कोई नहीं, वो 25,000 कहाँ से दे। अब बेनिफिट हमने लेना है तो लॉस भी भैया हमें लेना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने उसको बोला भैया कोई बात नहीं, मैं आपको बकरा लेके दूंगा। अब ये बात बोली, बोलने के बाद भैया वो बकरा तो मैंने बाद में भेजा, लेकिन उससे पहले उस बंदे ने मेरे से अपना डॉग डक कैट और भी काफी कुछ, यानी 95,000 का ऑर्डर दिया। पर देखो आपके इस बात से एक भरोसा बनाना, अगर आप कह देते मर गया तो मर गया, जिंदा बचा। उस बंदे ने 95,000 रुपए का मुझे ऑर्डर दिया, अब प्रॉफिट तो उनके अंदर से भी हुआ है मुझे, और वो कंटिन्यू मेरा कस्टमर भी और दोस्त भी है। बिल्कुल। और अगर मैं उससे रॉन्ग करता, उसने क्या करना था, जो भी वीडियो पड़ी है जैसे ये अपलोड करोगे तो नीचे गाली निकालनी थी। अब गाली निकालनी थी, नया पर्सन देखेगा तो वो कमेंट पर चार पांच ग्राहक जो आने वाले थे वो कोई नहीं आएगा भाई, चार पांच क्यों, वो आगे भी पता नहीं कितने लोगों के साथ मीन्स नेगेटिविटी फैलाएगा। तो ये चीजें शॉर्ट टर्म की है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इंसान से चलना है तो सब कुछ देखना पड़ता है, बेनिफिट भी और लॉस भी। और देखो कभी कभार जब ज्यादा फायदा हो जाता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं ज्यादा फायदा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। पर कभी कभार अगर मान के चलो किसी का जानवर भेजते हुए मर गया, तो अगर एक भेज दिया तो मेरे को लगता है कोई भाई पता क्या बात है, चलो जो बंदा तो बिजनेसमैन है वो तो पैसे की सेटिंग इधर उधर से कर लेता है। बिल्कुल। आज एक फ्रेश बंदा है, उसने कोई 2,000 की चीज लेनी है और वो बंदे को पता नहीं उसने 2,000 कहाँ से रेंज किया है। बिल्कुल। अब उसको मैंने कोई चीज भेजी, या पैसे डलवा के नहीं भेजी, या अगर भेज दी वो रस्ते में मर गई, मैं उसको दोबारा ना दूंगा, वो बंदा लाइफ में नहीं कभी परचेज करेगा। अब की बात, यहाँ एक इंसान आया बुजुर्ग एज का, उसने मेरे को बोला ये चिड़िया दे दे, उसने मुझे 500 रुपया दिया 50-50 के नोट। मैं कहा बाबा ये डालने के लिए क्या है, बोला कुछ भी नहीं। मैं कहा घर में क्या है रखने के लिए, बोला कुछ भी नहीं। मैं कहा बाबा ये ऐसे मैं आपसे 500 रुपया ले लूंगा, लेकिन आपका 500 रुपया बेकार है, ये आपकी उड़ जाएंगी। बोला अब क्या करूं। मैं कहा भाई लास्ट डे तक मेरे साथ मीन्स आप पेशेंट रखो, सबर रखो, मेरे पास कोई भी पिंजरा फ्री होगा तो मैं आपको उसमें डाल के पिंजरे का कोई पैसा नहीं लूंगा, आपको मैं दे दूंगा। बिल्कुल बुजुर्ग आदमी था, छोटे छोटे बच्चे थे दो। बिल्कुल। अब मैं नहीं बोलता, मुंह से बड़ाई हो जाती है, अगर मेरी जगह कोई और भी शॉपकीपर होता 500 पकड़ता बॉक्स में डाल के दे देता, आगे जाके क्या होता है, मरे कुछ भी करे वो जाने, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कि भरोसा बनाना पड़ता है, ऊपर वाला देखता है। और नहीं, वैसे भी देखो मैं आपकी वीडियो मेरे को लगता है लगभग 2 साल से तो बना ही रहा हूँ आराम से, आज तक कभी मेरे पास में फोन नहीं आया कि जसविंदर भाई ने ऐसे कर दिया है। ये भी एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जो बंदे इंटरव्यू से नंबर लेते हैं ना, या आपका चैनल या कोई भी अदर चैनल, वो बोलते हैं कि इंटरव्यू से नंबर लिया। मैं छोटी सी बात बोलता हूँ कि आप ये चीज सोचो, अगर इतना बड़ा चैनल इंटरव्यू करता है, अगर मैं फ्रॉड हूंगा धोखेबाज हूंगा भाई इंटरव्यू ही नहीं करेगा। आपने एक बार एक डॉग की थी, वो बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी के डॉग थे किसी शो पे, तो वो डिलीट करना कौन सी लाइन की बता रहा था, तो लोग नीचे गालियां निकाल रहे थे, तो मैंने आपको बोला कि प्रदीप भाई लोग आपको बोलेंगे कि ये ऐसे लोगों की इंटरव्यू क्यों करता है यार। वो अपन ने पहला वीडियो करा था, आपका अनुभव नहीं था, जानकारी इधर उधर से ही मिलती है, आपने वो वीडियो बाद में डिलीट किया है, आपको भी पता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें सभी प्रदीप भाई देखनी पड़ती। देखो अपन भी ये नहीं चाहते ना कोई अपना चैनल देख रहा उसके साथ में कोई गलत हो यार, अगला तो एग्जाम्पल देगा कि प्रदीप इंडिया डिस्कवरी से नंबर लिया था,
तो वो सोचेंगे कि यार ऐसे बंदों की वीडियो अपलोड करता है। इसलिए मैं जो घोड़े वालों में अधिक कभी भी मैं वीडियो के अंदर नंबर नहीं देता, टाइटल में देता हूँ। और मेरे पास में अगर कभी भी शिकायत आती तो मैं उसको पर्सनली फोन कर लूं, आपका भी नहीं भाई, या तो तू उसका घोड़ा या जो भी है वापस कर, वरना तेरे को भी एक्सपोज करूंगा। आपका आपका नॉलेज है, हमारे पंजाब के अंदर जितने भी चैनल है ना वो वीडियो में एक बात बोलते हैं, अगर किसी घोड़े के बारे में किसी गाय बकरी के बारे में बोलते हैं वो साथ बोलते हैं ये मालिक बता रहा है, आप मालिक से साथ बात करके आप मालिक से बात करो ये बोलते हैं, वो अपना फंडा ही निकाल लेते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो चीज है। बिल्कुल, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बाकी भाई का जो नंबर है वो नीचे आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पे कॉल करना प्लीज, जिसके लास्ट में 123 है, 9780100123। कॉलिंग क्या आता है कि बहुत बंदे रेगुलर कॉल करते रहते हैं, कई बार क्या होता है प्रदीप भाई बंदा बिजी होता है, मैं फ्री होकर हर एक इंसान को कॉल। देखो भाई अभी मंडी में है तो 3-4 दिन मेरे को लगता है कि बिजी फुल रहेंगे, तो अभी आप सारे लोग कोशिश करना कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप और जिसको कुछ लेना हो वो व्हाट्सएप कर देना भाई, 3-4 दिन बाद जब फ्री होंगे तो आपको रिप्लाई। बिल्कुल करूंगा भैया, ओके, थैंक यू सो मच।